वेलकम स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम बात करेंगे सिक्योरिटी एनालिसिस के जो बेसिक अप्रोच है उनके बारे में यहाँ पे दो बेसिक अप्रोच जो है फर्स्ट फंडामेंटल अप्रोच और सेकंड टेक्निकल अप्रोच दोनों के मीनिंग को इस वीडियो में हम कवर करेंगे सबसे पहले आता है फंडामेंटल अप्रोच बेसिकली फंडामेंटल का मतलब क्या होता है फंडामेंटल यानी कि वो एनालिसिस जिसमें हम बिजनेस के फंडामेंटल बेसिक फैक्टर्स को कंसिडर करते हैं जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स करंट इंटरेस्ट रेट्स मार्केट में कंपनी किस तरीके के प्रोडक्ट बना रही है मार्केट में कंपनी के कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट कौन से हैं मार्केट में कंपनी की फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है फाइनेंशियल मार्केट में किस तरीके से कंपनी स्टे कर रही है वो सारी चीज़ों को हम एनालाइज करते हैं इन अ फंडामेंटल एनालिसिस जब सिक्योरिटी एनालिसिस की बात होती है तो फंडामेंटल जो अप्रोच होती है वो हर स्टॉक के बारे में बताता है कंपनी के और उसकी एक वैल्यू बताता है बेसिकली इंटरेंसिंग वैल्यू क्या मतलब ये होता है कि जो बेसिक वैल्यू है वो क्या थी और उसको प्रेजेंट वैल्यू से कंपेयर करके बताता है कि फ्यूचर स्ट्रीम में प्रेजेंट वैल्यू क्या है और वो कितनी इनकम क्रिएट करके आगे देगा उसका रेट ऑफ रिटर्न कितना है उसका रिस्क कितना है तो बेसिकली फंडामेंटल अप्रोच में ये सारी बातें देखी जाती है जबकि किसी भी कंपनी में अगर ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से जुड़े हुए कंसिडर है प्रूफ है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है, है तो एज ए इन्वेस्टर अगर आप ये सारी चीज़ें एनालाइज करते हैं तो इससे क्या होता है एक फ़ायदा होता है कि कंपनी के फंडामेंटल समझ में आने से कंपनी का जो रिस्क रिलेटेड कंसिडर है कंपनी का जो फ्यूचर स्ट्रीम है वो मार्केट में समझ में आता है कंपनी आगे किस तरीके से बढ़ेगी कंपनी का बेसिक अगर फंडामेंटल मजबूत है तो कंपनी आगे बढ़ेगी इस चीज़ को हम पता लगा लेते हैं लेकिन अगर कंपनी का फंडामेंटल स्ट्रांग नहीं है तो हम ये भी पता लगा देते हैं कि कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रांग ना होने से बेसिकली कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रांग ना होने से कंपनी आगे मार्केट में लॉन्ग टाइम में सर्वाइव नहीं कर सकती तो ये चीज़ों के बारे में पता लगाने के लिए हम फंडामेंटल अप्रोच को देखते हैं सो फंडामेंटल अप्रोच एनालाइसिस Is the evaluation of securities with the help of certain fundamental business factors such as financial statement, current interest rate, as well as competitors product and financial market. Sare fundamental statement, current interest rate or competitor product, to market hai. The fundamental approach suggests that every stock has an intrinsic value which should be equal to the present value of the future stream of income from debt. स्टॉक डिस्काउंटेड एट एन अप्रोप्रिएट रिस्क रिलेटेड रेट ऑफ इंटरेस्ट तो सारी चीजें फंडामेंटल अप्रोच में आती है और एक इंटरसिंग वैल्यू को देखा जाता है यहाँ पे जो प्रेजेंट वैल्यू के साथ इक्वल है या नहीं है स्टॉक इज मेड बाय कंसिडरिंग द अर्निंग पोटेंशियल ऑफ फॉर्म विच डिपेंड अपॉन द इन्वेस्टमेंट इन्वायरमेंट एंड फैक्टर्स रिलेटिंग टू स्पेसिफिक इंडस्ट्री कॉम्पिटेटिवनेस क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट अब यहाँ पर क्या बात लिखिए कि एक तरीके से जो भी रियल वर्थ है नेट वर्थ है वो सारी देखी जाती है फंडामेंटल में कंपनी की अर्निंग पोटेंशियल देखी जाती है कि कंपनी की अर्निंग कैपेसिटी कितनी है और उस अर्निंग कैपेसिटी को देखते हैं उसी से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट यहाँ पर देखा जाता है कि इन्वेस्टर को यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए अगर कंपनी की अर्निंग पोटेंशियल स्थिति अच्छी नहीं है तो इन्वेस्टमेंट का जो सेक्टर है वो यहां पे प्रिफर नहीं करता कि आप इन्वेस्टमेंट करो लेकिन अगर कंपनी की अर्निंग पोटेंशियल अच्छी है तो इन्वेस्टमेंट के लिए कंपनी बहुत बढ़िया है ये सारी चीजें फंडामेंटल अप्रोच में देखी जाती है ऑफ सिक्योरिटी एनालिसिस ऑपरेशनल एफिशिएंसी प्रॉफिटेबिलिटी कैपिटल स्ट्रक्चर डिविडेंड पॉलिसी जितनी भी चीज़ें कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा है कंपनी के पास कितने डेट है और कितनी इक्विटी है खुद का पैसा और घर का पैसा और बाहर का पैसा कितना है कंपनी कितनी प्रॉफिटेबल है कंपनी की बिजनेस ऑपरेशन कैसे है कंपनी की डिविडेंड पॉलिसी कब कब डिविडेंड प्रोवाइड करती है कंपनी कंपनी का मैनेजमेंट क्वालिटी कैसा है कंपनी की कॉम्पिटिटिवनेस कैसा है ये सारी चीज़ें यहाँ पे फंडामेंटल अप्रोच में बेसिकली देखी जाती है तो फंडामेंटल अप्रोच उन फैक्ट उन स्टेटमेंट्स उन डेटा को कलेक्ट करता है जो कंपनी के बेसिक को बताते हैं कंपनी के फंडामेंटल बिजनेस एनाल को बताते हैं इससे क्या होता है इससे कंपनी के जो इंटरनल मैनेजमेंट सिस्टम है कंपनी का क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट है कंपनी के ऑपरेशन है कंपनी की अर्निंग पोटेंशियल है उसके बारे में यहाँ पता चल जाता है और एक ट्रू एस्टीमेट मिल जाता है किसी भी सिक्योरिटी का एनालाइज करने में एक अच्छा एस्टिमेशन मिल जाता है जब भी हम सिक्योरिटी प्राइसेस को एनालाइज करते हैं यह तो हो गया हमारा फंडामेंटल अप्रोच अब बात करते हैं हम टेक्निकल अप्रोच की जो अदर अप्रोच है क्लासिफिकेशन ऑफ सिक्योरिटी एनालिस में उसका नाम है टेक्निकल अप्रोच टेक्निकल नाम से ही पता चल रहा है कि टेक्निकली हम एनालाइज करते हैं किसके अंदर सिक्योरिटी एनालिस के अंदर एक तरीके सा एक तरीके से फोरकास्टिंग है जिसमें प्राइस के ट्रेंड को देखा जाता है एक तरीके से पास्ट प्राइस ट्रेंड को करंट प्राइस ट्रेंड से कंपेयर करा जाता है मार्केट के डेटा को कंपेयर करा जाता है सो टेक्निकल एनालिसिस रेफर्स टू द एनालिसिस ऑफ सिक्योरिटीज एंड हेल्प द फाइनेंस प्रोफेशनल्स टू फोककास्ट द प्राइस ट्रेंड्स थ्रू पास्ट प्राइस ट्रेंड एंड मार्केट डेटा बेसिक एजम्प्शन ऑफ दिस अप्रोच इज दैट द प्राइज ऑफ ए स्टॉक डिपेंड ऑन सप्लाई एंड डिमांड इन द मार्केट प्लेस अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो भी अप्रोच देखी जाती है टेक्निकल में वो मार्केट की सप्लाई और डिमांड पे है जो भी स्टॉक आप बेच रहो खरीद रो सप्लाई करो डिमांड करो उस चीज़ के ऊपर आप यहाँ पे सिक्योरिटी एनालाइज करते हो और जो भी मार्केट इंफॉर्मेशन है उस एनालिसिस के बेसिस पे कैलकुलेट करते हो यानी कि टेक्निकली एनालाइज करना मार्केट की डिमांड मार्केट की सप्लाई मार्केट का कितना प्राइस ट्रेंड चल रहा है मार्केट में प्राइस लोअर थोड़ी है मार्केट में प्राइस हाई है लो है प्राइस हाई कब होगी लो कब होगी फ्यूचर मोमेंट को यहाँ पे देखा जाता है मार्केट हैज लिटिल रिलेशनशिप विथ इट्स इंटेंसिक वैल्यू इंटरसिक वैल्यू मतलब बेसिक वैल्यू जो इंटरनल वैल्यू है स्टॉक की उस चीज को यहाँ पे देखा जाता है उससे एनालाइज करा जाता है ऑल फाइनेंशियल डेटा एंड मार्केट इन्फॉर्मेशन ऑफ ए गिवन सिक्योरिटी इज रिफ्लेक्टेडेड इन द मार्केट प्राइस ऑफ सिक्योरिटी जो भी कंपनी का बेसिक है कंपनी के जो एक्टिविटीज़ है वो मार्केट प्राइस से पता लगाई जाती है फंडामेंटल में हमने पढ़ा था कि मार्केट के अंदर प्राइस जो है वो फंडामेंटल बिजनेस सिचुएशन को देख के एनालाइज करके लगाई जाती है इसमें टेक्निकली एनालाइज करा जाता है कि जो भी टेक्निकल चेंजेस आया जो भी मार्केट की सप्लाई डिमांड है वो कंपनी की मार्केट प्राइस कंपनी की जो स्टॉक है उसके मार्केट प्राइस को किस तरीके से रिफ्लेक्ट या प्रभावित कर रही है देअरफोर एन अटैम्प इज मेड थ्रू चार्ट चार्ट्स ऑफ टू आइडेंटिफाई प्राइस मूवमेंट इसलिए इसके पैटर्न्स होते हैं अलग अलग चार्ट एनालिसिस होता है प्राइस मूवमेंट पैटर्न विच प्रिडिक्ट फ्यूचर मूवमेंट ऑफ द सिक्योरिटी फ्यूचर मूवमेंट को ऑफ द सिक्योरिटी को एनालिस करते हैं इसलिए इसके अंदर भी अलग अलग तरीके होते हैं अलग अलग टेक्निकल तरीके होते हैं जो चार्ट एनालिसिस करके प्राइस मूवमेंट को एनालाइज करके यहाँ पर टेक्निकल एनालाइज करा जाता है और फ्यूचर मूवमेंट देखा जाता है कि कंपनी के स्टॉक जो है वो इंक्रीज होंगे या फिर डिक्रीज होंगे तो बेसिकली टेक्निकली अगर हम अप्रोच देखा जाए तो उसमें टेक्निकली अप्रोच में मार्केट के अंदर प्राइस मूवमेंट को अलग अलग तरीके से देखा जाता है जबकि फंडामेंटल में देखा जाए तो बेसिकली बिजनेस एनालसिस फंडामेंटल एनालिसिस बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी स्ट्रक्चर कैपिटल स्ट्रक्चर डिविडेंड पॉलिसी एक्सेट्रा वगैरह इन चीज़ों को देखा जाता है तो इस वीडियो में हमने बात करी बेसिकली क्लासिफिकेशन ऑफ सिक्योरिटी एनालिसिस थैंक यू